स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। सर्कल की डेफिनेशन स्टार्ट करें, बता सकते हैं। इट इज लोकस ऑफ अ पॉइंट आर सेट ऑफ अ पॉइंट लोकस का क्या मतलब होता है? पाथ, एक पॉइंट का पाथ जो है मूवमेंट। अगर मैं यहां से यहां मूव कर रहा हूं तो ये मेरा पाथ है। आप घर से यहां आए जिज्ञान, तो आप जिस पाथ से होके आए वो आपका ठीक है लोकस है। तो लोकस मतलब पाथ आपका मूविंग पॉइंट, वो मूव कर रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है। विच मूव सच दैट सम कंडीशन है, सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। एक फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है। फिक्स पॉइंट है, अब मैं यहां कहूं ये फिक्स पॉइंट है स्पेस में, लेकिन स्पेस में नहीं है, यहां 2D में। अगर स्पेस में कहोगे तो स्पेयर बन जाएगा, होगा कि नहीं? 2D में है, यहां पर से देखो लोकस। अगर 2D में कहेंगे तो एक पॉइंट ऐसे जो कि इक्वल डिस्टेंस पे, तो सर्कल बनेगा। 3D में होगा तो स्पेयर बन जाएगा। यहां पर इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन में एक ये फिक्स पॉइंट है सी, अब एक पॉइंट पी है, ये मूविंग पॉइंट है। इस तरह से मूव करता है कि इस फिक्स पॉइंट से इसकी डिस्टेंस हमेशा सेम रहती है। मान लीजिए 2 यूनिट रहती है, 5 यूनिट रहती है, या आर है कोई फिक्स वैल्यू, हमेशा आर रहेगी। तो ये जो पी का मूवमेंट होगा इसके ऊपर होगा, एक सर्कल पे होगा। तो जो इस पे मूवमेंट हो रहा है, जो वही पाथ है, वही लोकस है। तो ये लोकस क्या हुआ? इसका सर्कल, ठीक है। फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर, ये फिक्स पॉइंट है इज सेंटर, एंड फिक्स्ड डिस्टेंस इज रेडियस। और ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है वो रेडियस है सर्कल। फिक्स्ड पॉइंट है सेंटर और फिक्स्ड डिस्टेंस है रेडियस। तो 10th में इसके आगे जो पॉइंट्स है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है सीकेंट, आप सर बाकी कई बेसिक पॉइंट 9th में होते हैं। कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, एनी टू पॉइंट को ज्वाइन करो वो कॉर्ड है, ठीक है। डायमीटर, सेंटर से जो लाइन पास हो रही कॉर्ड वो डायमीटर है, ठीक है। सेमी सर्कल, हाफ पार्ट ऑफ अ सर्कल वो सेमी सर्कल है। तो ऐसे कई पार्ट्स होते हैं जो बेसिक डेफिनेशन है। अब नेक्स्ट बात करते हैं सीकेंट। सीकेंट क्या होते हैं? अलाइन क्या होगा? लाइन पासिंग थ्रू सर्कल, कट सर्कल, कट्स बोलेंगे एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, दो अलग अलग पॉइंट पर अलाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल, इंटरसेक्ट सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्टर। A line which intersects circle at two distinct points, two distinct point पे कटता है। A line which intersects circle at two distinct points is secant. अब सर, ये होती है secant, जो two distinct point पे कट करे। नेक्स्ट बात करेंगे टेंजेंट। टेंजेंट टू अ सर्कल क्या होता है? सर एक लीनियर पॉइंट से लाइन जो कि सर्कल को एरिया और रेडियस से 90 डिग्री। अच्छा ठीक है,
जो सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे, और कोई डेफिनेशन बोलना चाहता है कोई अलग? एक लाइन जो एक पॉइंट पे टच करेगी, एक एक्सटीरियर पॉइंट से ड्रा की गई, टच कर रही है, रेडियस के परपेंडिकुलर है, हाँ वो क्या है? टेंजेंट है। और कुछ सीकेंट से डेफिनेशन? सीकेंट का ही लिमिटिंग केस क्या कहते हैं? टेंजेंट। टेंजेंट की डेफिनेशन इट इज लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। एक पॉइंट पे लिमिट हो जाओ केस ऑफ सीकेंट, मतलब ये दोनों पॉइंट अगर कोइंसाइड होकर के एक ही हो जाए। मान लीजिए ए था, ये बी पॉइंट, ये था सीकेंट। अब क्या करते हैं, ए को मैं फिक्स कर देता हूं पॉइंट को, पॉइंट ए फिक्स है, लेकिन बी का मूड चेंज हो गया, वो मूविंग हो गया, वो करने लगे, तो हो गया मान लीजिए घूमते हुए यहां आ गए बी डैश पे, तो अभी भी ये सीकेंट ए बी डैश घूमते घूमते इस पोजिशन पे आ गया, मान लीजिए पॉइंट है बी डबल डैश, अभी भी ये सीकेंट। और पास है सीकेंट है, जैसे देखो जैसे जैसे ये मूव होगा और जैसे ही ये पॉइंट किसी के ऊपर आ जाएगा, कौन साइड कर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगी? टेंजेंट आई, ये है टेंजेंट आई। ब्लू वाला मार्कर लाइट चल रहा है, ठीक है, तो उधर वालों को तो और कम दिख रहा होगा कि ठीक दिख रहा है? कैमरे के जो अपोजिट साइड यहाँ सही दिख रहा है, ठीक है, यहाँ देखो फिर से बनाऊ? नहीं सर, अब समझ आया, समझ तो आ गया है ना कि फिर से तो जरूरत नहीं, आगे कम यूज करेंगे। रेड मार्कर देखो, रेड, ठीक है, ठीक है, तो जो आपको कलर पसंद हो बता दें, ठीक है, अवेलेबिलिटी तीन ही है, ब्लैक ब्लू एंड रेड। अच्छा बेटा, ठीक है, ये टेंजेंट एट ए, ये जैसे जैसे बी ए की तरफ मूव कर रहा है, एस बी प्रोसीड टुवर्ड्स ए, दिस सेगमेंट सॉरी सीकेंट बी ए इज गेटिंग क्लोजर्स टुवर्ड्स टेंजेंट एट ए, और जैसे ही बी ए हो जाता है वैसे ही सीकेंट टेंजेंट में कन्वर्ट होती है, इसी को कहते हैं लिमिटिंग के हिसाब से। हाँ, जो बाकी आप डेफिनेशन बता रहे थे वो सही है, एक पॉइंट से केवल एक पॉइंट पे जो टच करे वो टेंजेंट, कोई गलती नहीं है इसमें, लेकिन जब आप हायर स्टडीज में और इससे बनाएंगे और भी स्टडी करेंगे तो वहां पर डेफिनेशन इससे आएगी और प्रॉपर्टीज इससे मिलेंगी आपको, ठीक है, तो वैसे हम ये कह सकते हैं एक लाइन जो एक सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे दैट इज अ टेंजेंट। तो हमें यहाँ पे टेंजेंट की ही बात ज्यादा करनी, नेचर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल, टेंजेंट टू अ सर्कल, अगर सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है तो उससे कितनी टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं? जीरो, जीरो, देयर विल बी नो टेंजेंट from point inside a circle, from point inside circle, अगर सर्कल के इनसाइड है तो वहां से कोई टेंजेंट नहीं मिलेगी। पॉइंट ऑन द सर्कल है तो ठीक एक टेंजेंट मिलेगी, देयर विल बी एग्जैक्टली वन टेंजेंट, एग्जैक्टली वन टेंजेंट फॉर पॉइंट ऑन द सर्कल, जो सर्कल पे होगा तो, और बाहर होगा तो कितने टेंजेंट हो जाएंगे? ठीक दो टेंजेंट हो जाएंगे, है कि नहीं?
एग्जैक्टली टू टैंजेंट्स, टू टैंजेंट्स फॉर पॉइंट आउटसाइड सर्कल और एक्सटीरियर ऑफ सर्कल. पॉइंट अगर आउटसाइड है तो दो टैंजेंट, अंदर है तो जीरो, ऊपर है तो एक, ये नंबर ऑफ टैंजेंट्स. बाहर से जो टैंजेंट ड्रा करते हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है ना, पी ए बराबर पी बी. एक कॉमन पॉइंट इस पी से ड्रा कर रहे हैं तो एक्सटीरियर पॉइंट से दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल. लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, जिस पॉइंट से ड्रा कर रहे हो ये कॉन्टेक्ट पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वही लेंथ है, पी ए. कहीं लिखा है लेंथ ऑफ टेंजेंट तो उसका यह होता है. देखते हैं इस पर कुछ पॉइंट्स, थ्योरम्स और रिजल्ट्स ऑन टेंजेंट्स. रिजल्ट्स ऑन टेंजेंट, फर्स्ट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल, ऑफ अ सर्कल, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल is perpendicular to the radius, is perpendicular to the radius through point of contact. किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट है एक सर्कल, इस पॉइंट से जो रेडियस होगी, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये, इसके ये परपेंडिकुलर, ये जो आप डेफिनेशन में भी बता रहे थे टेंजेंट की, वही रिजल्ट है. क्वेश्चंस में जरूरत पड़ेगी रिजल्ट्स की, बाकी अगर थ्योरम आपको प्रूव करना है तो आपने ऑलरेडी कई बार प्रैक्टिस कर रखी होगी, फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप अलग से भी पूछ सकते हैं. ठीक है, सेकंड इसी का कॉन्वर्स है. ठीक है, एक लाइन जो कि सेंटर से अगर टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करे तो वो कहां जाकर मिलेगी, पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. अ लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड ऑफ अ रेडियस, अ लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड ऑफ रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू इट इज टेंजेंट टू सर्कल. कोई भी रेडियस ले आप, सी पी रेडियस ली, इसका ये एंड हुआ जहां पर सर्कल को एक पर जाके मिली, ये रेडियस का एंड है. इस पर रेडियस के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वही टेंजेंट होगी. थर्ड, जो अभी आपको इसमें मैं बोल रहा था, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स पॉइंट है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स एंड ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल. एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रा की पी और पी बी, तो इनकी लेंथ इक्वल हो, पी ए बराबर पी बी हो, प्रूव करना हो तो इनके सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए, ये परपेंडिकुलर है,
ये आर है, ये आर है और ये पीसी कॉमन साइड हो गई, पीसी की लेंथ अगर एक्स है तो ये कॉमन हो गया, तो सिमिलैरिटी से भी कर सकते हैं, पाइथागोरस से भी कर सकते हैं। ये डिस्टेंस कितनी होगी, रूट ओवर पीसी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये लेंथ ये भी आएगी रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और ये भी लेंथ आ जाएगी रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, दोनों बराबर आ जाएंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट देखें, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट, देन ये कॉन्सेप्ट तो हमने पढ़ ही लिया कि दोनों की लेंथ इक्वल होती है, ये और बी की लेंथ इक्वल होगी, और क्या ये जो PA है और ये PB है ये सेंटर पे इक्वल एंगल बना, ये दोनों एंगल इक्वल, देन दे सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर, जब ये तीनों इक्वल हो गए तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, या पहले ही RHS से आपने कॉन्ग्रुएंट बोल दिया था तो फिर क्या हो गया, CPGD से सभी वैल्यूज इक्वल हो गए, ये एंगल थीटा ये थीटा इक्वल हो गए, दे सब एट इक्वल एंगल एट सेंटर, दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग सेंटर टू द पॉइंट दैट पॉइंट, ये एंगल इक्वल हो गए, सेकंड दे आर इक्वली इंक्लाइंड, they are equally inclined to the line join point to the center, ये जो tangents है external points से रखी हुई, ये इस line के जो इस point को center join कर रहे हैं उससे equal angle बना रहे हैं और ये equal angle subtend कर रहे हैं, ये जो बाकी information थी CPCT की वो लिखी है, वही है ना कॉन्फ्रेंसी से जो बाकी पॉइंट आएंगे वही लिखा है, कोई प्रॉब्लम? ये था फोर्थ। नेक्स्ट लिखें, इफ दो सर्कल्स कॉन्सेंट्रिक हैं, कॉन्सेंट्रिक मतलब सेंटर से, लार्जर सर्कल की एक कॉर्ड स्मॉलर सर्कल को टच करे, ये पॉइंट तो इस पॉइंट पी पे ये कॉर्ड बाईसेक्ट हो, ये मिड पॉइंट होगा इस कॉर्ड का, ठीक है लिख लेते हैं, एक कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स टचेस स्मॉलर सर्कल, देन इट गेट्स बाइसेक्टेड, बाइसेक्टेड एट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, यहां पर जिस पॉइंट पर टेंजेंट है उस पॉइंट पर ये बाइसेक्ट हो जाती है, मतलब ये मिड पॉइंट, लार्जर सर्कल दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल में जो लार्जर है उसकी एक कॉर्ड स्मॉलर सर्कल को टच कर रही, तो ये जो कॉर्ड है बाइसेक्ट हो जाती है, मतलब मिड पॉइंट होता है कहां पे, पॉइंट ऑफ टेंजेंस, हमें ये पता है सीबी जैसी जॉइंट होगी एंगल 90 होगा,
और किसी इस सर्कल के लिए कॉर्ड होंगे, और कॉर्ड पर जब भी हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो जाके मिड पॉइंट मिलता है, या फिर आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आर है, ये आर है, ये तो कॉमन हो गया एक्स, तो अब आप आर एच एस से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्गुएंट बोल सकते हो, या फिर वही पाइथागोरस से आ जाएगा रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो दोनों इक्वल, तो ये मिड पॉइंट आ गया। थ्योरम भी तो थी परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। हां वही मैंने बोला, सबसे पहले वही पॉइंट बोला कि सेंटर से जब कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, ये नाइंथ में ही है थ्योरम, तो उसको भी यूज कर सकते हैं, कैसे भी आप बता सकते हो मतलब, लेकिन जो भी बताओ उसको एक्सप्लेन करके लिखो, मैं तो बोल रहा हूँ यहाँ पे, उसको एक्सप्लेन करके आप लिखते, यह फिर सिक्स पॉइंट नंबर सिक्स, टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर, एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर आर पैरेलल टू ईच अदर, ये हो गया एक डायमीटर, ये दो टेंजेंट पी और क्यू, पी पे जो टेंजेंट होगी और क्यू पे होगी ये आपस में पैरेलल होंगे, क्यों, इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर और ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो, मतलब सेम लाइन दो लाइन के परपेंडिकुलर हो गए, तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगी, बताइए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों इक्वल है, उससे भी कह सकते हैं ये 90 है तो ये भी 90, ये 90, ये 90, अल्टरनेटिंग एंगल्स किसमें इक्वल होते हैं, जब एक ये लाइंस पैरेलल होती है, पॉइंट नंबर सेवन, किसी का कॉन्वर्स लिखा है, सेवन तो क्या लिखा है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट्स विल बी डायमीटर ऑफ सर्कल, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट two parallel tangents is diameter, वही इस सर्कल का डायमीटर, कॉर्ड लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज डायमीटर, ठीक है, लाइन सेगमेंट या की एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करें, अभी एक है सबसे कॉर्ड ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कॉर्ड ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स, तो पैरेलल टेंजेंट्स इज डायमीटर, इसी का कन्वर्ट है, कोई प्रॉब्लम यहां पर, नेक्स्ट वन एट, पॉइंट नंबर एट, ये लिखा एंगल सबटेंडेड बाय और एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इज सप्लीमेंट्री टू supplementary to
एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट्स आर रेडियस भी बोल सकते हो लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट टू सेंटर। डायग्राम में देखिए आसान है, पहले जो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रा की थी वही भी प्रूव कर सकते थे, अब यहां पे आ गए तो यहां से देख लेते हैं। किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट रख ली पी ए पी बी, ए को ज्वाइन किया सेंटर से, बी को ज्वाइन किया सेंटर से, ए रेडियस करो या लाइन सेगमेंट। अब लैंग्वेज वापस देखते हैं, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये हो गया एंगल, ये सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री हो गया दोनों के संबंध एक्टिव होगा, सप्लीमेंट्री टू एंगल सबटेंडेड बाई लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को जो लाइन सेगमेंट सेंटर से ज्वाइन कर रहे हैं मतलब वो रेडियस, ये जो एंगल है अल्फा, थीटा और अल्फा एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होंगे, मतलब थीटा प्लस अल्फा कितना होगा 180 डिग्री, क्यों ये एंगल 90, ये 90, एक क्वाड्रिलेटरल है इन दोनों का सम 180, तो इन दोनों का सम भी 180 होगा क्या, 360 होता है टोटल, वैसे निकाल सकते। और अब अपोजिट एंगल का सम 180 हो तो ये क्वाड्रिलेटरल कैसा हुआ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मतलब ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी पी ए सी भी, हाँ तो एक ऐसा सर्कल भी होगा जो कि जिसपे सारे पॉइंट होंगे जो ए बी सी से पास होगा वो बी से भी पास होगा, इस सर्कल मिलेगा इसी सर्कल पे नहीं होंगे वो दूसरा सर्कल होगा जिसपे सारे पॉइंट होंगे, सर्कमफेरेंस पे कोई भी पॉइंट हो तो उससे केवल एक टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, ये पहले ही हमने देखा था, कोई लिखा फिर परपेंडिकुलर अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से होगा तो सेंटर से पास होगा, वो पहले भी आया था, तो यही पॉइंट्स हैं। क्वेश्चंस देखते हैं इस पर जिसमें इस रिजल्ट को हम लोग यूज करें, लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम अ पॉइंट पी, फ्रॉम अ पॉइंट पी 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल अ टेंजेंट BD इज ड्रॉन, BD ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर इज ड्रॉन फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल, अब रेडियस कैलकुलेट करनी है सर्कल की, क्या फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल 6 सेंटीमीटर, ठीक है 6 सेंटीमीटर, ये सिंपल क्वेश्चन है, रेडियस कैलकुलेट करनी है सर्कल की, डायग्राम बना दिया जाएगा, सर्कल कौन सा चैप्टर नंबर है 8 तो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री 12 होगा फिर, हाँ 8 9th में है सर्कल, 11 12 तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सर 6 नहीं नहीं 6 तो ट्रायंगल है, आंसर 6 है, 206 10 है 10 मैं तो ये देख रहा हूँ कि आप के इसमें किस क्या क्या दिया है तो उसकी बात पहले कर, हाँ ये है चलो 10.1 से मैं बोलते जाता हूँ,
ये तो कर लेंगे सिक्स अभी. हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? ठीक है, सेकंड है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट एट इन वन पॉइंट ओनली. ठीक है, फिर अ लाइन इंटरसेक्टिंग सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड सेकंड. अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, डैश लिखा है तो टू पैरेलल टेंजेंट्स. ठीक है, पैरेलल वैसे वैसे पैरेलल तो कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन एक एक दूसरे पैरेलल ऐसे हो गए फिर वैसे तो पैरेलल तो ऐसे ऐसे तो इनफाइनाइट. ठीक है, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द टेंजेंट और सर्कल में जो कॉमन पॉइंट होता है उसे क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी. ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी बोल सकते हैं. यही लिखा है, तो ये तो सिंपल है. फिर थर्ड है, टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ सर्कल रेडियस 5 मीट द लाइन थ्रू ओ अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज 12 लेंथ पी क्यू इज. इसी टाइप का क्वेश्चन ये वाला इस फॉर्मेट पे, ठीक है ना, ये वाला तो इसी फॉर्मेट का हुआ. तो इसको देख लेते हैं पहले, इस क्वेश्चन को क्या कहा गया. एक पॉइंट पी है जो सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है, 10. ये डिस्टेंस हो गई 10. इससे जब टेंजेंट ड्रा की गई तो इसकी लेंथ आई 8. ये रेडियस कैलकुलेट करनी आर है, तो इसमें पाइथागोरस लग गया, 8 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर. तो आर स्क्वायर बराबर 100 माइनस 64 36, तो आर की वैल्यू आ गई 6. ये आंसर, ठीक है. ये 10.1 था. 10.2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ऑब्जेक्टिव है. फ्रॉम अ पॉइंट Q, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 24, डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25, रेडियस ऑफ सर्कल ये इसी तरह. ये 25 दिया, ये 24 दिया है, तो इससे ये निकाल लिया. ठीक है, तो ऐसे ही डायग्राम दिया है. ये बीच वाला एंगल 110 दिया है, तो ये दूसरा एंगल पूछा है. ये 110 दिया है, तो ये पूछा है 70 हो गया. ऐसे है क्वेश्चन, ठीक है. फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ. प्रूव दैट टेंजेंट्स एट द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ पैरेलल. डायमीटर के एंड में पैरेलल होंगी, ये अभी जो थ्योरम में आया. प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू सर्कल पासेस थ्रू सेंटर. पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो सेंटर से पास होगा, वही थ्योरम में ही जो आ रहा है यही लिखा हुआ है. द लेंथ ऑफ टेंजेंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर टू सर्कल इज 4 सेंटीमीटर रेडियस. फिर ये 5 है, ये 4 है, तो कितना हो गया? 3 हो गया. टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 एंड 3 एंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेस स्मॉलर सर्कल. चलो ये कर देते हैं. 7 क्या है? दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है. क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 10.2 का. दो सर्कल्स हैं, लार्जर की रेडियस 5 है, स्मॉलर की 3 है. लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेस स्मॉलर सर्कल. ठीक है, ये कैलकुलेट करना. तो वो कॉर्ड की लेंथ कैलकुलेट करनी है जो स्मॉलर सर्कल को टच करे. लार्जर सर्कल की वो कॉर्ड की लेंथ जो स्मॉलर सर्कल को टच करे. स्मॉलर सर्कल की रेडियस 3 है और लार्जर की कितनी है? 5. तो ये आ जाएगा 4 और ये भी 4, तो इसका डबल कितना हो गया? 8. बाकी जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बना करके एक्सप्लेन करके लिखें. ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप करके देख लेना. इजी है हम मॉड्यूल के. हाँ हाँ कर सकते हो, और क्वेश्चंस भी दे देंगे मॉड्यूल के भी कर सकते हो जो आपको दिया था. चलो दो चार और क्वेश्चंस इससे ले लेते हैं जो अभी आपको बता रहे थे. सेकंड एग्जाम्पल, वैसे ये भी क्वेश्चंस ऐसा नहीं कि बोर्ड में नहीं आए हुए, जैसे कि मैं अभी ये जो किया था 2002 लिखा हुआ उस पर, ठीक है, पहले आया. अगला जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो 2015 लिखा है, 2015 में आया था. ठीक है, तो अलग अलग ईयर में क्वेश्चन सी है ये कलेक्शन. ए है ओ, ये बी
फेस को ज्वाइन किया, ये है क्यू, ये टी, ये ओ क्यू को ज्वाइन किया, ये एंगल है 58 डिग्री, 58 डिग्री, ठीक है, ये टेंजेंट है, ए बी डायमीटर, फाइंड एंगल ए टी क्यू, ये ए टी क्यू एंगल कैलकुलेट करना, ए टी, ये क्वेश्चन समझ रहे हैं? बोलो। अब ये तो इसमें तो नाइन्थ वाला कॉन्सेप्ट लग गया, ये जो सेंटर पे एंगल होता है वो सर्कमफेरेंस पे एंगल का डबल होता है, उसको यूज करो। देखो ये जो आर्क हो गई, ये जो आर्क है इससे सेंटर पे जो एंगल बन रहा है और इसी से सर्कमफेरेंस पे जो एंगल बन, ये अगर एंगल थीटा है तो ये इसका डबल होगा, तो 2 थीटा बराबर हो गया 58, 2 थीटा बराबर हो गया 58, तो मतलब ये थीटा कितना आ गया 20, 90, ये एंगल कितना 90, अब इस ट्रायंगल को देखो, इसमें एंगल ए पी 61 बोलो या ए टी बी बोलो 61, ये हो गया 29, ये 90, तो 180 माइनस 90 प्लस 29, ये तो तीनों का सम 180 होगा, ये आ गया 61, 90 माइनस 29, ये आंसर है। बताइए कोई प्रॉब्लम? ओ सेंटर है, हाँ ओ सेंटर है, ये भी डायमीटर मैं बोला था, हाँ निकाल सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ये एंगल निकाल लिया, ये दोनों बराबर होंगे, नीचे वाला नीचे वाला ये वाला, तो लेकिन फिर ये एंगल निकालना होगा, तो पहले ट्रायंगल से निकल रहा है, ठीक है, करना चाहो कर सकते हो, मान लो अगर भूल गए उधर से निकाल रहे हैं, हो गया कैलकुलेट, लेकिन कॉन्सेप्ट सही लगाए, कोई ऐसे जबरदस्ती नहीं है कि हाँ ये कर दिया, वैसा नहीं करना, आ जाएगा सभी मेथड से। देखिए डायग्राम दिया, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, मैं बोल रहा हूँ यहां मैंने बोला है डायमीटर है ये टेंजेंट है, तो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिए हुए, एक पॉइंट पी है एक्सटर्नल, इससे टेंजेंट ड्रा की गई, बाहर वाले सर्कल पे टेंजेंट पी ए और अंदर वाले पे पी, इसके सेंटर को ज्वाइन किया गया, ओ दोनों का सेंटर सेम है कॉन्सेंट्रिक, ये देखा इसकी रेडियस 8 और 5 है, तो ये ओ ही 8 है और ये 5 है, ए पी 15 है, ये 15, ये डी पी कैलकुलेट करना है, ठीक है समझ गया, क्वेश्चन मैंने बोल लिया, रेडियस 8 5 है, ये 15 है, ये बी पी कैलकुलेट करना है, ये 2012 का लिखा हुआ है क्वेश्चन, लिखा तो यही है बेटा, तो अभी तो सही मान के चलते हैं, बाद में देख लेंगे अगर कुछ गड़बड़ी होगी, वैसे तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए कुछ डायमेंशन में, आसान है, बन जाना चाहिए बड़े आराम से। yes, बताएंगे आंसर 60 में सर, कैमरे के उस तरफ वाले बच्चे ही बताएं, 254 का स्क्वायर रूट, ये बता रहा है आदित्य, 254 का स्क्वायर रूट, रूट 254, रूट 264, ठीक है मिस्टेक कर दी, तो मैंने अब तब कहा कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो अपना देखो अपना बताओ आंसर उसका सुन के 254 की कहां गलती मैं कर रहा हूं, यह है 15 और ये 8, ये 15 ये 8 ये 90 हुआ, तो पाइथागोरस से ओपी क्या होगा, रूट ऑफ 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 17 आ जाएगा, फिर ये एंगल भी 90 होगा,
फिर से यहाँ पाइथागोरस से पी भी क्या होगा रूट ओवर 17 स्क्वायर ओपी स्क्वायर माइनस ओबी स्क्वायर। अब मैं यहाँ कुछ लिख नहीं रहा हूं इतना सब, वो सब आपको लिखना है जब बोर्ड का एग्जाम है, ठीक है। 17 स्क्वायर 281 माइनस 25 289 माइनस कितना हो गया 264। ये सर ऐसे भी कर सकते हैं कि 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर। हां वही है, थोड़ा इधर उधर घुमा लिया बस और क्या, तो बीपी को एक्स लिया तो उसी चीज को तो यहाँ पे यूज किया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है समझने में किसी भी स्टूडेंट को? तो इस पर बेस्ट मैं और भी क्वेश्चन दे दूंगा, तो अगली क्लास में लेते हैं और क्वेश्चन इस पर।